चलिए आइए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेजर चैप्टर, जो कि एक पोयम है। अब ये लेजर, लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब होता है फुर्सत, छुट्टी, खाली समय। इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हो वेकेशन, ठीक है, स्पेयर टाइम, और भी जो आपके पास खाली समय है वो लेजर है। इसी के ऊपर ये पूरा पोयम है। हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो व्हाट लेजर मींस? क्या आपको पता है लेजर का मतलब क्या होता है? इट मींस द फ्री टाइम विच यू कैन स्पेंड इन एन एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस। इसका मतलब होता है वह खाली समय जो आप अपने हिसाब से किसी भी काम को करने के लिए स्पेंड कर सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी काम अपना कर सकते हैं फ्री टाइम में, उसको लेजर कहते हैं। व्हाट डू यू डू इन योर लेजर आवर्स? आप जब खाली रहते हैं तो आप क्या करते हैं? डू यू रीड अ बुक? क्या आप एक किताब पढ़ते हैं? प्ले अ गेम? आप खेल खेलते हैं? सी अ मूवी? आप मूवी देखते हैं? गो फॉर अ वॉक? आप वॉक करने जाते हैं? लिसन टू म्यूजिक? आप गाना सुनते हैं? वॉच टीवी, टेलीविजन? आप टेलीविजन देखते हैं? विजिट अ फ्रेंड? अपने दोस्त से मिलने जाते हैं? एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर? या आप प्रकृति का जो सुंदरता है, ब्यूटी ऑफ नेचर, उसका आनंद लेते हैं? नाउ लेट अस रीड द पोयम। आइए हम लोग पोयम पढ़ते हैं। टू बिगिन विथ, रीड द पोयम अलाउड टू एंजॉय इट्स रिदम। स्टार्टिंग में ये पोयम को आप जोर से पढ़िए और उसका जो रिदम है उसको आप एंजॉय कीजिए। देन रीड इट साइलेंटली एंड स्लोली एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद इसको आप आराम से पढ़ें, आस्ते आस्ते पढ़ें, और आगे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप सॉल्व करें। अब मैं क्या करूँगा, एक एक लाइन आपको यहाँ पे पढ़ूंगा और वर्ड मीनिंग्स पहले लिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये समझाऊंगा। वॉट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर? ये जो आपकी जिंदगी है ये कैसी है? फुल ऑफ केयर का मतलब होता है देखभाल होना, देखभाल से भरा। देखभाल से भरा होना, ठीक है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास समय नहीं है कि हम खड़े हो सके और स्टेयर कर सके। स्टेयर करने का मतलब होता है घूरना। जब आप किसी को कंटिन्यूअसली देखते हो तो उसको घूरना कहते हैं, स्टेयरिंग कहते हैं। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉस। हमारे पास समय नहीं है। बीनीथ का मतलब क्या होता है? नीचे खड़ा होना। और बॉ का मतलब क्या होता है? बॉ का मतलब होता है शाखा, टहनी, डाल। जैसे पेड़ का डाल होता है, ठीक है, पेड़ की शाखा होती है। तो हमारे पास समय नहीं है कि हम डाल के नीचे, शाखा के नीचे खड़े हो पाए। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। और जो शीप होते हैं, भेड़, और जो गाय हैं, ठीक है, उनको हम घूरें, उनको हम देखें। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। हमारे पास ये समय नहीं है कि जब हम जंगल के आसपास जाते हैं तो उसकी सुंदरता को देखें। व्हेन स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन द ग्रास। स्क्विरल मतलब गिलहरी। जब गिलहरी घास में अपने नट्स को छुपाती है, नट्स खाने का सामान होता है, ठीक है, जो गिलहरी खाती है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस। हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रकृति की सुंदरता को देख सकें। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। और ये देख सकें कि वो किस तरह से नाचते हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन। हमारे पास समय नहीं है कि हम इंतज़ार करें कि उसके चेहरे पर हंसी देखें, उसके आंखों में हंसी देखें। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अब देखिए, ये जो हमारा जिंदगी है ये बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है। क्यों? हमारे पास देखभाल करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हमारे पास
किसी के साथ समय बिताने के लिए और चीज़ों को अच्छे से महसूस करने के लिए समय नहीं है। अब ये पोयम लिखे कौन है? W.H. Davis। ये याद रखिएगा, ये इस पोयम के पोएट हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इस पोयम को समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेजर बाय विलियम डेविस, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन। अब जो हम लोग पोयम पढ़े थे उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम लेजर रिटन बाय विलियम डेविस। अब देखिए ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? लेजर नाम के पोयम से, और इसको लिखे कौन है? विलियम डेविस। कॉन्टेक्स्ट, दिस पोयम इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अननेसेसरी कमिटमेंट ऑफ मैन विथ वर्ल्डली अफेयर्स। अब देखिए प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है बताइए, सोचिए। प्रोटेस्ट आप बहुत बार सुने होंगे, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। उसके बाद अननेसेसरी, सोचिए, अननेसेसरी का मतलब होता है बेकार। अब बहुत जो चीज बेकार है, बेकार क्या है यहां पे? कमिटमेंट यहां पे बोल रहा है बेकार है। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को वायदा करना, प्रॉमिस करना, ठीक है। वर्ल्डली अफेयर्स, अफेयर का मतलब क्या होता है? अफेयर्स का मतलब होता है काम, ठीक है, या मामला। अब देखिए इंसान क्या करता है, बहुत सारा बेकार का, ये जो पूरी दुनिया का मामला है उसमें अपना दिमाग लगाता है और अपने समय को बर्बाद करता है, उसके अगेंस्ट में ये एक प्रोटेस्ट है, ये एक आवाज है जो उठाई जा रही है कि लोगों को हर एक चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो दुनिया की चीजें हैं उन्हें छोड़िए। वी आर ऑलवेज इन अ हरी एंड हैव नो लेजर टाइम टू लुक एट द ब्यूटी स्प्रेड ऑल अराउंड अस। हम लोग हमेशा हड़बड़ में हैं, हरी मतलब हड़बड़ में होना, और हमारे पास कोई भी लेजर टाइम, लेजर मतलब फ्री, हमारे पास फ्री टाइम नहीं है कि हम लोग अपने आस पास अराउंड अस जो सुंदरता है उसको देख सकें, उसको फील कर सकें। मैंस मिजरेबल लाइफ ब्रिंग्स हिम नथिंग बट सैडनेस एंड वरीज। अब इंसान का ये जो जिंदगी है वो क्या है? मिजरेबल है। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी, ठीक है। इंसान का जीवन दुखी हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ सैडनेस है और वरी है। वह सैड है, उदास है और वरी। एक एक करके मैं वर्ड लिखते जाऊंगा, आपको याद होता जाएगा। वो वरी करता है हर चीज का, हर चीज का वो चिंता करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इंसान का जो जिंदगी है वो दुखी हो गया है, वो बहुत उदास रहता है, वो बहुत चिंतित रहता है हर चीज से। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला लाइन 1-4, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं लाइन 1-4 आपके लिए पढ़ूंगा। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बिनिथ द बॉज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज Sheep or cows. In these lines, the poet bewails our rushed life. अब देखिए ये जो पहला चार लाइन हम लोग पढ़े, इसमें पोएट क्या कर रहा है? हम लोग का जो जिंदगी है, जो भाग दौड़ से है, bewail का मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है। मतलब वो शोक मना रहा है, वो दुखी है कि इंसान का जो जिंदगी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो बहुत भीड़ भाड़ का हो गया है, उसके पास समय नहीं है, ठीक है। वो हर चीज में रशिंग कर रहा है, रश करना मतलब हर चीज में जल्दी करना, वो हर चीज को जल्दी करना चाहता है। द पोएट सेज दैट वी कैन नॉट कॉल दिस लाइफ अ प्योर लाइफ इफ इट इज फुल ऑफ वरीज एंड एंजाइटीज। पोएट बोलते हैं कि हम लोग ये जो हमारा जिंदगी है इसको हम पूरा अच्छा जिंदगी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इसमें वरीज है, वरीज का मतलब चिंता, और एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, घबराहट। अगर आपका जिंदगी चिंता और घबराहट से भरा हुआ है तो ये आपका अच्छा लाइफ नहीं है, आप अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एट
अ सर्टेन प्लेस एंड लुक केयरफुली एट द नेचर। हमारे पास समय नहीं है कि हम किसी जगह पर खड़े होकर प्रकृति के सौंदर्य को देख सकें, उसको फील कर सकें, उसका आनंद ले सकें। इवन वी के नॉट स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स टू स्टैंड अंडर द ब्रांचेज ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड एन्जॉय द ब्यूटिफुल एंड रेस्टफुल शेड्स ऑफ द ट्री। हमारे पास इतना भी समय नहीं है, चंद लम्हे भी नहीं है कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हों और उसके खूबसूरती का आनंद लें, वो जो पेड़ का छांव है उस छांव का आनंद लें। द कॉमन एनिमल्स लाइक शीप एंड काउज आर बेटर देन अस इन एंजॉइंग लाइफ। अब देखिए जो कॉमन एनिमल्स है, शीप, शीप मतलब भेड़, काउ मतलब गाय, ये लोग हम लोग से ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के बीच में रहते हैं और अपनी जिंदगी को उनके बीच में अच्छे से बिताते हैं। We cannot look at the common animals like sheep and cows grazing in the pasture. हम लोग के पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम लोग जो भेड़ हैं, गाय हैं, उनको चराई करते हुए देखें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। We have committed ourselves with worldly affairs unnecessarily and cannot enjoy nature and the natural beauty spread all around us. हम लोग क्या किए हैं, खुद को जो ये दुनिया का मामला है, ठीक है, अब दुनिया का हजार काम में हम लोग खुद को व्यस्त कर लिए हैं और हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम प्रकृति को एंजॉय कर सके, उसका आनंद ले सके, और हमारे आसपास जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, उसको जी सके। चलिए लाइन 5-6, अब ये पढ़ने से पहले मैं आपके लिए लाइन 5-6 एक बार रीड करूंगा। ये था आपका लाइन 1-4, ये 5-6, अच्छा 5-6, ये दोनों, ठीक है, ये 5, ये 6। No time to see when woods we pass, when squirrels hide their nuts in grass. In these lines, the poet tells us, when we pass through some forest, we do not have time to stop for some moments to look at the trees, talls and shots and enjoy their natural beauty. अब ये जो लाइन है, लाइन 5 और 6, इसमें पोएट बोल रहे हैं कि जब हम किसी फॉरेस्ट के पास से, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल के पास से जाते हैं, तो हम लोग के पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग वहाँ पर रुकें, बड़े बड़े छोटे छोटे जो ट्रीज़ है, पेड़ हैं, उनको देखें, ये जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता, इसका आनंद लें। The dark green trees provide a soothing effect, but we are always sick, hurried and cannot enjoy at least the simple beauty. अब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, dark green trees, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आपको एक soothing effect मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा इतने बीमार रहते हैं, इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि हम लोग ये जो साधारण सुंदरता है दुनिया की, इसका भी आनंद नहीं ले पाते हैं। Also, we cannot look at the small animals like squirrel concealing their food grain in the grass for the winter. साथ ही साथ हमारे पास ये भी समय नहीं है, हम इतने बिजी हैं कि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे कि गिलहरी, वो घास में अपना खाना छुपाती है, ठीक है, ताकि वो ठंड के मौसम में उसको खा के जीवित रह सके। This minor scene can also give us relief. अब ये जो सीन है, जो कि बहुत ही छोटा वाक्य है, ये भी आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम इसे भी जी सके। लाइन 7 और 8, देखिए ये रहा लाइन 7-8। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट नाउ हाउ दे कैन डांस। In these lines, the poet says that human beings cannot see the beauty that is hidden in the streams. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंसान इतना बिजी है कि उसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो जो नदी है, स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है, नदी, ठीक है, नदी का जो प्रभाव होता है, ठीक है,
उसमें जो सुंदरता है, जब आप नदी से देखोगे पानी गिर रहा है, जो झरना गिरता है वो बहुत सुंदर होता है, ठीक है, लेकिन लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वो इस सुंदरता को देख सकें। During daytime, when the rays of the sun fall upon the clear water of the brooks, the water reflects and shines like stars in the sky during night. दिन के समय जब सूर्य की रोशनी उस वो जो पानी है जो कि एकदम साफ है, ठीक है, उसमें जब वो पड़ता है तो क्या होता है, वो जो पानी है वो रिफ्लेक्ट करता है और वो शाइन करता है, जैसे कि रात को सितारा चमकता है उसी तरह से, और ये भी जो दृश्य है ये बहुत ही सुंदर होता है। Sometimes water of streams, because of its clearness, seems so beautiful that even stones beneath the water can be observed, which look like stars in the clear blue water. कभी कभी जो नदी का जो पानी है, जो झरना गिरता है, वो इतना साफ होता है कि उसके नीचे जो पत्थर हैं वो भी एकदम क्लियरली दिखते हैं, और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि नीले पानी में सितारे हों। This scene also resembles the stars shining in the sky at night. अब ये जो सीन है ये हम लोग को बताता है कि किस तरह से रात को तारे के चमकते हैं, उसी तरह से सुबह जब सन सूर्य की रोशनी साफ जल पे आती है तो पानी चमकता है, उसमें जो स्टोन्स हैं, जो पत्थर हैं वो चमकते हैं, और ये जो दृश्य है ये बहुत ही सुंदर होता है। लाइन्स 9, 10 and 11, 12, आइए पहले इन लाइन्स को पढ़ते हैं। ये 9, 10, 11, 12, ठीक है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगेन। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। The poet says, we are so hard luck that we cannot watch a girl or a woman who dances in the field. Poet बोलते हैं कि हमारा भाग्य इतना खराब है कि फील्ड में, खेत में एक लड़की या एक वुमेन डांस कर रही है वो भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। The feet of the dancing girl are very attractive and bewitching, but we cannot spare time to look at these feet as How they dance. ये जो डांस कर रही हैं लड़कियां, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही बेविचिंग है, लेकिन हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम इसको देख सकें और इसका आनंद ले सकें, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है। बेविच करना मतलब किसी चीज को मोहित कर लेना। This dancing girl can also amuse us with her performance. अब ये जो लड़की डांस कर रही है उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि ये हम लोगों को बहुत ही एंटरटेन कर सकती है। अम्यूज करना मतलब एंटरटेन करना, मनोरंजन करना, आनंद देना, हंसाना। The poet also moans that we have no time to wait for the words the mouth of the dancing girls has to utter. साथ ही साथ पोएट ये भी बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग थोड़ा देर इंतज़ार करें और वो जो लड़की नाच रही है वो क्या क्या बोल रही है, कौन कौन से वर्ड्स बोल रही है, क्या गा रही है, वो हम लोग सुन सकें। As a sort of smile has appeared in her eyes, but we cannot wait for such time as the words from her eyes are transferred to her lips. अब जो वो हंस रही है, उसकी जो आँखों की हंसी है, वो जो अपने लाइफ को एंजॉय कर रही है, वो जो डांस कर रही है, और जो उसकी आंखों का खुशी उसके होंठों तक आएगा, हम लोग के पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग इंतज़ार करें और इसको देखें और इसका आनंद लें। दोज वर्ड्स कैन अम्यूज अस। अब ये जो वर्ड्स हैं जो वो लड़की गा रही है वो हम लोग को अम्यूज़ कर सकती है, जो हम यहाँ पे मतलब बताए थे, एंटरटेन कर सकती है, आनंद दे सकती है। इनफैक्ट द पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेशन, अ पोएटिक डिवाइस टू एक्सप्लेन द नेचुरल ब्यूटी स्कैटर्ड ऑल अराउंड अस। अब ये जो पोयम है इसमें पोएट क्या किए हैं, वो पोएट हमारे आसपास जितना भी
ब्यूटी है, सौंदर्य है, नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य, उनके बारे में बात किए हैं। द पोएट पर्सोनिफाइज ब्यूटी एज अ यंग ब्यूटिफुल डांसिंग गर्ल हैविंग अ स्माइलिंग फेस। जो पोएट हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जो सौंदर्यता है, ये जो सुंदरता है, ये सुंदरता एक लड़की के माध्यम से, एक लड़की के नाचते हुए, हंसते हुए चेहरे के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि चारों तरफ हमारी प्राकृतिक सुंदरता है। इन दीज कंक्लूडिंग लाइन द पोएट रिग्रेट्स टू से दैट आवर्स इज अ पुअर लाइफ। लास्ट में पोएट्स बोलते हैं कि हमारा जो जिंदगी है वो बहुत ही दयनीय है और गरीब है। इन अ वे दैट इट कैनॉट बी लाइफ इफ इट इज फुल ऑफ केयर्स एंड वरीज। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो जिंदगी है वो बहुत ही चिंता से भरा हुआ है। Unluckily, we have no time to stand at a place and look carefully at the nature that can refresh us. हम लोग इतने unlucky हैं कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक जगह पर रुकें और जो प्रकृति की सुंदरता है उसको enjoy कर सकें, क्योंकि प्रकृति की जो चीज़ें हैं, प्रकृति का जो सुंदरता है वो हमें refresh कर देंगी, बहुत खुश कर देंगी। As such, our life is nothing but lamentation through and through. तो हमारा ज़िंदगी और कुछ नहीं हो गया, बस हम लोग एक काम से दूसरे काम में करते जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को सिर्फ जीते जा रहे हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी शुड स्पेयर सम मोमेंट्स एंड लुक एट नेचर एंड नेचुरल ब्यूटी स्प्रेड अराउंड अस एंड एन्जॉय लाइफ। अब इंसान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास जो खाली समय है वो हम लोग प्रकृति को देखें, प्रकृति के सौंदर्य का एन्जॉय करें, हमारे आसपास जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे जिएं और अपने जीवन का आनंद लें। अब चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं डिस्कशन। व्हाई डज द पोएट वांट अस टू हैव सम फ्री टाइम और लेजर। पोएट क्यों चाहते हैं कि हमारे पास कुछ खाली समय हो या लेजर समय हो। नाउ रीड द फर्स्ट फोर लाइन। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। व्हाट वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉयज and stare as long as sheep and cows. अब इसके ऊपर depending ये जो questions है उसको हम लोग चलिए solve करते हैं। In text question 2.1, answer the following questions. आइए एक एक करके answer करेंगे। What do you understand by the word care in the first line? जो first line में ये जो care शब्द है इसका आप मतलब क्या समझते हैं? इसका आप answer लिखोगे, the word care in the first line is to look at the beauties of nature and enjoy them. या आप ऐसे लिख सकते हो, I understand by the word care in the first line to look at the beauties of nature and enjoy them. प्रकृति की सुंदरता को आप देखें और उसका आनंद लें। What does the poet means by the phrase stand and stare? Pick up the correct answer from the three alternatives given below. Poet यहाँ पे बोलते हैं stand and stare, रुको और चीजों को ध्यान से देखो, घूरना। स्टेयर करना मतलब कंटिन्यूसली किसी चीज को देखना, उसको घूरते रहना। अब हम लोगों को तीन ऑप्शन है, तीनों में एक आंसर है। लुकिंग एट थिंग्स अनब्लिंकली, लुकिंग एट द ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड एंजॉइंग देम, लॉस्ट इन थॉट लुकिंग एट नथिंग। सबसे पहला बोल रहा है बिना पल के झुकाए देखना, दूसरा बोल रहा है प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना और उसे देखना, तीसरा बोल रहा है कि अपने विचार में खो जाओ बिना कुछ देखे। ये गलत है, ये गलत है। सही आंसर ये है, इट मींस लुकिंग एट ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड एंजॉइंग देम। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरा उतारिएगा और फिर आंसर लिखिएगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। व्हाट इज इट दैट शीप एंड काउज डू फॉर वी हैव नो टाइम। शीप्स और काउज ऐसा क्या करते हैं जिसके लिए हमारे पास समय नहीं है। शीप्स एंड काउज हैव टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर बट वी डोंट हैव एनी टाइम फॉर दैट। शीप्स और काउ क्या करते हैं, उनके पास खड़े होने का, चीज़ों को घूरने का, प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका आनंद लेने का समय है, पर हमारे पास ये समय नहीं है। अब आगे देखिए डिस्कशन। वी विल नाउ रीड द नेक्स्ट फोर लाइन्स। अब नेक्स्ट फोर लाइन क्या है, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. Ab dekhiye in text question, what does the poet think when we need time for in
अब लाइन 5-6 में वो क्या सोचता है और 7-8 में क्या सोचता है। लाइन 5-6 टू सी द स्क्वायरल हाइड देयर नट्स इन द ग्रास, इसमें क्या है, सी स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। आप ये देखिए कि जो गिलहरी घास में किस तरह से अपने नट्स को, नट्स क्या होता है, खाने का सामान होता है जो गिलहरी भी खाती है, उसको वो छुपाता है। 7-8 में टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर डांसिंग फीट, टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस वॉच हर फीट डांस, ठीक है, सौंदर्यता को देखिए और जो नाच रही है लड़की उसके कदमों को देखिए। इन द सेवेंथ लाइन द पोएट स्पेल्स द वर्ड ब्यूटी विथ अ कैपिटल लेटर बी। देखिए सेवेंथ में ये जो ब्यूटी है इसका कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट हो रहा है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, डज इट रेफर टू अ ब्यूटिफुल गर्ल और द ब्यूटीज ऑफ द नेचर और टू बोथ। ब्यूटी कुड रेफर टू बोथ द ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब यहाँ पे जो ब्यूटी है वो जो लड़की है जो नाच रही है उसके लिए भी है और जो प्रकृति है उसके सौंदर्य के बारे में भी बात किया गया है। ना हाउ डू द ब्यूटीज डांस, थिंक ऑफ टॉल ट्रीज ग्रास वेव्स एटसेट्रा। अब जो ये ब्यूटीज है जो सौंदर्य है वो किस तरह से नाचती हैं, यहाँ बोल रहा है बड़े बड़े पेड़ों को देखिए, घास को देखिए, वेव्स, वेव्स क्या है, जो लहर गिर रहा है उसके, उसको वेव्स कहते हैं, उसको देखिए वो बहुत ही सुंदर है। इन दीज लाइन्स द पोएट लुक एट नेचर एंड इमेजिन्स हर एज अ गर्ल विद डांसिंग फीट। अब यहाँ पे जो पोएट है वो प्रकृति को देखता है और इमेजिन कर रहा है कि ये एक लड़की है जो कि नाच रही है। द पोएट हैज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज टू द ब्यूटीज ऑफ नेचर। पोएट क्या किया है, वो जो प्रकृति का सुंदरता है उसको ह्यूमन क्वालिटीज दे दिया है। When an idea or an object is thought of as a person, we call it personification. जब किसी आइडिया को या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक व्यक्ति के हिसाब से सोचने लगते हैं तो हम लोग उसको personification कहते हैं। Poets often make use of it to say more in few words. जो poets होते हैं, कवि होते हैं, वो क्या करते हैं, personification का इस्तेमाल करते हैं ताकि कम शब्दों में वो ज़्यादा बात कह सकें। Look at the two sentences given below. अब नीचे जो दो sentences हैं उनको पढ़िए। Destructions of forest harms the earth. अगर आप जंगलों को बर्बाद करोगे तो इससे धरती को भी नुकसान होगा। The mother earth cries to see her forest being destroyed. धरती माँ जो हैं, जब ये देखती हैं कि जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है तो वो रोती हैं। The first sentence is a simple statement of a fact. पहला क्या है, एक statement है, simple statement, एक तथ्य है कि forest को अगर आप destroy करोगे तो धरती को नुकसान होगा। The second sentence personifies the idea. अब देखिए यहाँ पे एक सोच है, अब earth कोई mother तो है नहीं, ये एक इंसान तो है नहीं, लेकिन हम लोग एक object को एक human being का example देके समझा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये एक idea को personify किया गया है। Which one appeals to you more? The second one, isn't it? अब देखिए दोनों में से कौन सा ज्यादा आपको क्लोज लगेगा, सेकेंड वन। Here are some more examples of personification. अब personification का और एग्जाम्पल देखिए, Death, be not proud. The sun is smiling. Beauties of nature dance when the trees sway in the breeze. Waves leap up, bees dance, birds fly. You must also give other example. अब देखिए नेचर का ब्यूटी हम लोग कैसे देख सकते हैं, कि जब बहुत तेज हवा चलता है तो पेड़ एक जगह से दूसरी जगह तक हिलते हैं, नाचते हैं, वेव्स आता है, लहर आते हैं, जो बीज होते हैं वो नाचते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। तो इस और भी आप बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रकृति के सुंदरता को बताने के लिए। आगे देखिए, कैन यू थिंक ऑफ टू मोर एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब दो और एग्जाम्पल सोचिए पर्सोनिफिकेशन का, यहाँ तो ऐसे आंसर दिया हुआ है, आप खुद से भी सोच के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। द ट्रीज स्टैंड टॉल विद देयर हेड्स हाई, जो बड़े बड़े लंबे पेड़ हैं वो सीधे खड़े रहते हैं अपने सर को ऊंचा करके। माउंटेन्स स्पीकिंग टू द स्काई, माउंटेन्स पहाड़, वो ऐसा लगता है देखने में कि वो बादल से बात कर रहे हैं, आसमान से बात कर रहे हैं। अब चलिए आगे देखिए, वी विल नाउ रीड द लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगैन, अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर
we have no time to stand and stare. अब इस पे questions देखिए. Who is her in line number 9? अब ये her कौन है? Beauty. हम लोग यहाँ पे beauty of nature के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. The line till her mouth can enrich that smile her eyes began means. अब ये जो लाइन है till her mouth can enrich that smile her eyes began, इसका मतलब क्या है? टिक करना है करेक्ट को. A rich woman smiles with her eyes. एक अमीर औरत है जो अपने आंखों से हंस रही है. रॉन्ग. आईज एंड माउथ स्माइल टुगेदर. आंखें और चेहरे जो आपका मुंह है वो एक साथ हंस रहा है. रॉन्ग. ब्यूटीज स्माइल बिगेंस फ्रॉम द आईज एंड स्प्रेड्स टू हर लिप्स. राइट. यहाँ पे आप जब चैप्टर पढ़े हो थे आगे तो वहाँ पे आप देखे थे कि पहले वो आंखों से हंसती है और ये जो हंसी है खुशी उसके होंठों तक आती है और वो गुनगुना रही है. ये होगा आंसर. वॉट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ पुअर लाइफ. कवि के अनुसार एक गरीब जिंदगी क्या है? अ पुअर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ लाइफ विच इज सो फुल ऑफ वरीज दैट वी हैव नो टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर. कवि के अनुसार वो जिंदगी बहुत ही ज्यादा गरीब है या दुखदाई है जहां पर लोग बहुत ही चिंतित रहते हैं और उनके पास आराम करने का समय नहीं है और ये जो प्रकृति का सौंदर्य है उसको आनंद लेने का जीने का उनके पास समय नहीं है. अब नेक्स्ट पोर्शन देखिए. ओवरऑल क्वेश्चंस. हु इज वी इन द पोयम. अब वी कौन है पोयम में? वी रेफर्स टू द ह्यूमन बींग्स हु हैव नो टाइम टू लुक एंड एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ द नेचर. यहाँ पे वी का मतलब हो गया ह्यूमन बींग्स, हम लोग जिनके पास प्रकृति के सौंदर्य को देखने का उसका आनंद लेने का समय नहीं है. Which words have been repeated 6 times in the poem? कौन सा वर्ड है जो कि 6 बार पोयम में रिपीट किया गया था? Why? No time. The phrase no time is repeated to emphasize the idea. यहाँ पे आइडिया क्या था कि हमारे पास समय ही नहीं है, उसी को बताने के लिए no time बार बार इस्तेमाल किया गया. Some of the words that rhyme in the poem are care, stare, bow, cow. Complete the list with other pairs of rhyming words from the poem. Pass, grass, glance, dance, can, begin. आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा, ये सेकेंड पोर्शन आपको फिर से पोयम पढ़ के खोजना पड़ेगा. हमेशा याद रखिएगा कंप्लीट सेंटेंसेस लिखिएगा एग्जाम में, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. अब चलिए ये वाला पोर्शन करते हैं. क्वेश्चन 4. यू हैव सम लेजर टाइम ऑन हैंड एंड योर फ्रेंड वॉन्ट्स टू स्पेंड दिस टाइम इन रिस्क टेकिंग बिहेवियर लाइक ड्राइविंग, ट्राइंग आउट नार्कोटिक ड्रग्स एंड हैविंग योर फर्स्ट सिगरेट. आपके पास कुछ लेजर टाइम है, मतलब आप फ्री हो थोड़े देर के लिए. आपका एक दोस्त है, वो चाहता है कि आप कुछ रिस्क टेकिंग बिहेवियर करो, जैसे आप ड्राइविंग सीखो, या तो आप ड्रग्स लो, या तो आप अपनी जिंदगी का पहला सिगरेट पियो. यू विश टू अवॉइड देम विदाउट एंटागोनाइजिंग देम. यू विश टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग सो. हाउ वुड यू गो अबाउट इट. अब आप ये चाहते हैं कि वो लोग ये काम नहीं करें, ठीक है? आप कैसे करेंगे, कैसे उनको रोकेंगे? प्रिवेंट करना मतलब रोकना, ठीक है? क्योंकि वो जो ये काम करने जा रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है? अब आपको ये इस तरह से करना है ताकि वो नाराज ना हो. एंटागोनाइजिंग मतलब, एंटागोनाइज का मतलब होता है नाराज करना, ठीक है? तो बिना उन्हें नाराज किए आप कैसे समझाओगे? कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो विथ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन. अब देखिए आपको एग्जाम में ये जो अंडरलाइन पोर्शन है ये नहीं रहेगा, ये आपको खुद से देना पड़ेगा. अमित, थैंक गॉड वी हैव अ ब्रेक बिफोर द इकोनॉमिक्स पेपर, लेट्स गो टू द कैंटीन एंड हैव सम कॉफी. अमित बोलता है ये बात कि थैंक गॉड इकोनॉमिक्स पेपर से पहले हम लोगों को थोड़ा ब्रेक मिला, मतलब थोड़ा स्पेयर टाइम है हमारे पास, चलो कैंटीन चलते हैं और वहाँ पे कॉफी पियेंगे. राहुल, I have a better idea. Why don't we have a cigarette instead? It's a great stress buster. I tried it the other day and could feel myself unwinding. अब उसका एक फ्रेंड है राहुल, वो बोलता है कि मेरे पास इससे अच्छा एक आइडिया है, क्यों ना चलो सिगरेट पिया जाए. बहुत सिगरेट बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है, इससे स्ट्रेस कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है. अभी दूसरे ही दिन हम पिए थे और हमको बहुत अच्छा लगा था. अमित हेजिटेट्स, I'm not too sure. Rahul,
besides smoking can badly affect the health. Amit इससे hesitate होता है, वो हिचकता है, वो ready नहीं होता है. बोलता है कि नहीं, मैं sure नहीं हूँ. क्योंकि राहुल देखो, smoking से क्या होगा, ये हमारे health को affect करेगा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है. राहुल come on, don't be such a sissy. One cigarette won't do any harm. अब राहुल उस अपने फ्रेंड अमित को बोल रहा है कि देखो बच्चा मत बनो, चलो ना एक सिगरेट पीते हैं, क्या हो जाएगा एक सिगरेट से. अमित isn't it a habit forming? इससे क्या हम लोग को आदत नहीं पड़ जाएगी, लत नहीं हो जाएगी? I have heard that it's hard to quit smoking once got addicted. हम सुने हैं कि स्मोकिंग छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, अगर एक बार आप उसके एडिक्टेड हो गए, आपको उसकी लत पड़ गई तो. राहुल ओह नो. अमित देन व्हाई डू द सिगरेट पैकेट्स हैव द स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज हाईली एडिक्टिव, डोंट स्टार्ट. अच्छा तो ठीक है, फिर ये बताओ कि स्मोकिंग का जो पैकेट होता है, सिगरेट पैकेट्स, उसमें ऐसे क्यों लिखा रहता है कि ये हाईली एडिक्टिव है, आपको इसकी लत पड़ सकती है, इसको आप स्टार्ट ना करें. तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ये जो अंडरलाइन पोर्शन है, आपको एग्जाम में ये खाली मिलेगा, आप अपने हिसाब से भर सकते हो. अब ये तभी भर पाओगे जब आपकी इंग्लिश पे थोड़ी कमांड हो, आपको इंग्लिश में खुद से लिखना है. आप अच्छे से पढ़ोगे तो आस्ते आस्ते आप इंग्लिश सीख जाओगे. साथ ही साथ हमारे चैनल में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे इंग्लिश लेसन्स भी हैं, आप उनको भी पढ़िए ताकि आपका इंग्लिश और ज़्यादा अच्छा हो जाए.